रोहित शर्मा की होशियारी टीम इंडिया पर पड़ सकती थी भारी, बट जैसे तैसे इंडिया को वेस्ट इंडीज के खिलाफ फर्स्ट वनडे में जीत मिल जाती है। भारत ने वेस्ट इंडीज को पहले वनडे में 114 रनों पर ही आउट कर दिया था और इंडिया को 114 रनों का यह टारगेट बहुत इजी लग रहा था और टीम इसे हल्के में लेने की कोशिश कर रही थी और यही भारतीय टीम की सबसे बड़ी गलती थी। इसी वजह से भारतीय टीम एक समय में मुश्किल में आ गई थी, लेकिन जैसे तैसे भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत हासिल कर लेती है। भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा ओपनिंग करने नहीं उतरे थे, बल्कि शुभमन गिल के साथ ईशान किशन मैदान पर आए थे। शुभमन गिल खुलकर नहीं खेल पा रहे थे, वह केवल 16 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और ईशान किशन अपनी 50 पूरी करने के बाद छठे नंबर पर आते हैं शार्दुल और वह सिर्फ 1 रन पर ही आउट हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं कप्तान रोहित शर्मा, लेकिन रोहित शर्मा भी कुछ अच्छा नहीं खेल रहे थे। फिर भी रोहित 12 और जडेजा 16 रनों की नाबाद पारी पूरी खेलने के बाद इंडिया को जीत दिला जाते हैं।